हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से है और क्वेश्चन है आपका K2Cr27 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O को बैलेंस करें। ठीक है, मेथड आपका होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस करते समय H प्लस आयन, OH माइनस आयन और H2O को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये H2O छोड़ दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। तो या तो आप सभी परमाणुओं के लिखें या आप मेन परमाणुओं के लिखें, क्योंकि सबके लिखने का कोई मतलब विशेष ज़रूरत नहीं होती, जो मेन होते हैं उनकी लिखनी आपको पड़ती है। तो अगर सबकी लिखी जाए, जैसे यहाँ पोटेशियम प्लस वन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको किसकी लिखनी चाहिए, क्रोमियम की। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी प्लस 6, है ना। हाइड्रोजन की प्लस वन होती है, Cl की माइनस वन, पोटेशियम की प्लस वन, Cl की माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर CrCl3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो आएगी प्लस 3। ठीक है, और Cl की हो जाएगी माइनस वन, और Cl2 में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मेन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेनी है। अब इसके बाद में आप कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो यहाँ पर इस क्रोमियम का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका इस क्रोमियम के साथ। ठीक है, और इस Cl का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा Cl2 के साथ। ठीक है, तो ये दो आपके हाफ स्टेप बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस 6 से प्लस 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में हो रही है कमी। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 से 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, उनको बैलेंस कर लेना है। तो देखो इधर आपके क्रोमियम के दो परमाणु हैं, इधर आपका एक एक क्रोमियम का परमाणु है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो Cl एक है, यहाँ पर Cl के दो परमाणु, तो हम लोग यहाँ पर भी दो से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक क्रोमियम के सापेक्ष 6 की हो रही थी, तो दो क्रोमियम के सापेक्ष कितने की हो जाएगी, 12 की। और यहाँ पर देखो एक क्रोमियम के सापेक्ष 3 की, तो दो के सापेक्ष 6 की, यानी कि 12 - 6, अर्थात यहाँ पर फाइनली कमी कितने की आ रही है, 6 की। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 - -1, यानी कि इधर कितना है, -2, इधर कितना है, 0। तो इधर वृद्धि कितने की हो रही है, तो इधर वृद्धि हो रही है 2 की। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आवेश को बैलेंस करना है। तो आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है, कहाँ पर, इस इक्वेशन में, है ना, क्योंकि वृद्धि कमी किस में हो रही है, इसमें हो रही है ना, तो इसमें कमी हो रही है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा ये नीचे वाला जो आपका, ठीक है, हाफ स्टेप है इसमें। तो गुणा करने के बाद में हम लोग लिखते हैं, तो आपका इक्वेशन बना K2Cr2O7। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 × 6 HCl इक्वल टू KCl प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें गुणा किया जाएगा, इसमें गुणा नहीं होगा, तो इसमें नहीं गुणा होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे CrCl3। ठीक है, अब इसमें गुणा होगा, तो इसमें आप करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 3Cl2। ठीक है, आप गुणा करने के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर क्रोमियम 2, यहाँ पर क्रोमियम 2, ऑलरेडी बराबर है। पोटेशियम की बात करी जाए, देखो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम बैलेंस हो जाएंगे। अब बात की जाए क्लोरीन की, तो देखो इधर आपके 6 क्लोरीन के परमाणु हैं, इधर आपके 2 ये, और 3 × 6 और 3 × 6, यानी 12, और ये 2 = 14। तो टोटल दाहिनी तरफ 14 क्लोरीन के परमाणु हैं, बाईं तरफ कितने हैं, 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 14 क्लोरीन के परमाणु लाएंगे, यानी कि यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 14 HCl। तो अगले स्टेप में लिखते हैं, ये आपका हो गया अगला स्टेप, K2Cr2O7 प्लस 14 HCl इक्वल टू 2KCl प्लस 2 CrCl3
सी एल थ्री प्लस थ्री सी एल टू, ठीक है। तो इस तरीके से अब दोनों साइड में आपके क्लोरीन के 14-14 परमाणु हो गए। अब लास्ट में देखते हैं ऑक्सीजन, तो इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 7। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जिधर आपके ऑक्सीजन कम है उधर ठीक उतने ही H2O के अणु जोड़ दो जितने दूसरे तरफ आपके ऑक्सीजन है। तो इधर आपके 7 ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पर 7 H2O के अणु जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से जुड़ गए। अब बात करी जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कितने हाइड्रोजन बढ़े, तो 7 × 2 = 14, और यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपके 14 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। तो ये आपकी इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले किसका ऑक्सीकरण या किसका अपचयन हुआ ये देखना है, उसके बाद में ऑक्सीकरण कमी और वृद्धि ये देखनी है। लेकिन ऑक्सीकरण कमी और वृद्धि देखने से पहले जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है उनको बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो क्रोमियम को और Cl को बैलेंस किया गया था, और उसके बाद में फाइनली देखना है कि कितनी अब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी या वृद्धि हो रही है, और उसके बाद में आवेश को संतुलित करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन को लिखा जाता है, और उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। देखो यहाँ पोटेशियम संतुलित किया गया और क्लोरीन संतुलित किया गया, और लास्ट में ऑक्सीजन को संतुलित करना है सेकेंड लास्ट में। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 7 H2O जोड़े गए, क्योंकि इधर आपके 7 ऑक्सीजन थे, और फिर हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस हो गई है। तो आपको इसका रिवीजन कर लेना है, और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। आपको भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना आ जाएगा। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।